करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे रेडियो पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, आज जम्मू के पली गांव में 58,000 करोड़ की कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। जम्मू के पली गांव में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जल विद्युत परियोजना और काजीकुंड बनिहाल सुरंग का करेंगे उद्घाटन। देश के चुनिंदा ग्राम पंचायतों को आज सम्मानित करेंगे पीएम मोदी। यूपी के 24 गांव का पुरस्कार के लिए चयन। कुशीनगर के ठांडी भार गांव को भी मिलेगा अवार्ड। पीएम मोदी का आज मुंबई दौरा, शाम 5 बजे मुंबई पहुंचेंगे पीएम मोदी। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नवाजे जाएंगे पीएम मोदी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। पुलिस ने शाम 6 बजे से 7 बजे तक यात्रा निकालने की दी मंजूरी। जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में निकलेगी तिरंगा यात्रा। 50 लोगों की इस यात्रा में 25 हिंदू और 25 मुस्लिम होंगे शामिल। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगा मामले में फरार दंगाइयों के खिलाफ गैर जमानती वारंट। 5 दंगाइयों के खिलाफ पुलिस ने जारी किया वारंट। यूपी के सीएम योगी का आज जालौन दौरा, प्राथमिक विद्यालय का करेंगे निरीक्षण। कायाकल्प कार्यक्रम का करेंगे लोकार्पण। पंचायती राज दिवस के मौके पर जालौन में ही सीएम योगी सुनेंगे पीएम का संबोधन। जालौन की 2 ग्राम पंचायतों को करेंगे पुरस्कृत। यूपी में योगी सरकार 2.0 के आज 30 दिन पूरे। पिछले 30 दिनों में हुआ ताबड़तोड़ एक्शन। यूपी में पिछले 1 महीने में थानों में कई अपराधियों ने किया सरेंडर। भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाई गई जमीन, जमकर गर्जा बाबा का बुलडोजर। प्रयागराज में 5 लोगों की हत्या के मामले में सियासत तेज। आज कई विपक्षी दल जाएंगे प्रयागराज, पीड़ित परिजनों से करेंगे मुलाकात। एसपी का 6 सदस्य डेलीगेशन पीड़ित परिवार से आज मुलाकात करेगा। ममता बनर्जी की पार्टी का भी 5 सदस्य डेलीगेशन प्रयागराज जाएगा। प्रयागराज में सामूहिक हत्या का मामला, देहरा शिवपाल सिंह यादव घटनास्थल पर पहुंचे, पीड़ित परिजनों से मिलकर बंधाया ढांढस। यूपी में बुलडोजर पर सियासत। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर असंवैधानिक तरीके से बुलडोजर चलवाने का लगाया आरोप। स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ सकती है मुश्किलें। निजी सचिव अरमान खान ने किया सनसनीखेज खुलासा। सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों को मौर्य से मिलवाता था अरमान। यूपी एसटीएफ के रडार पर पूर्व मंत्री और एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। एसटीएफ की टीम स्वामी प्रसाद मौर्य से जल्द कर सकती है पूछताछ। लखनऊ में सीएम योगी का प्रबुद्ध महिलाओं से संवाद। कहा प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार चला रही कई योजनाएं। युवाओं से अपील, जॉब क्रिएटर बने। सीएम योगी से मिली अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट। कुश्ती को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। यूपी के लखनऊ में 400वें प्रकाश पर्व पर गुरु तेग बहादुर के सम्मान में कार्यक्रम। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हुए शामिल। यूपी में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी में योगी सरकार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सरकार गंभीरता से कर रही है विचार। यूपी में अब श्रमिकों के बच्चों की नहीं छूटेगी पढ़ाई। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएगी यूपी सरकार। करीब 1.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा लाभ। राम मंदिर आंदोलन पर बनेगी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म। 500 सालों के संघर्ष को सहेजने की तैयारी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आजमगढ़ जिले के बस अड्डे का किया निरीक्षण। अव्यवस्थाएं देख आरएम को लगाई कड़ी फटकार। शाहजहांपुर में बदमाशों में योगी सरकार का खौफ। तख्ती लेकर थाने में सरेंडर करने पहुंचे 5 अपराधी। अपराधियों ने कभी भी अपराध नहीं करने की खाई कसम। यूपी के रामपुर में हत्या के आरोपी ने पुलिस के सामने पकड़े कान। हाथ जोड़कर मांगी माफी। आरोपी बबलू पर है 6 लोगों की हत्या का आरोप। एनकाउंटर में हुआ था घायल।
मेनपुरी जेल से पेरोल पर रहा 38 कैदी लापता, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप, एक साल से लापता है 38 कैदी, दो बार बढ़ाई गई थी पेरोल की सीमा। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, गोली लगने से पुलिस का एक सिपाही भी घायल। लखनऊ में एसटीएफ और सदर कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 60 लाख की स्मैक बरामद, पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साइंस के फीस बढ़ाने पर छात्रों का हंगामा, बढ़ी फीस न देने पर सभी छात्रों की अटेंडेंस की गई शॉर्ट। कन्नौज में सपा नेता रजनीकांत के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने 10 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। उन्नाव में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया जा रहा था प्लॉट, अवैध कब्जेदारी पर की गई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। फतेहपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, आबू नगर इलाके में सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई, बुंदेलखंड सहकारी समिति की जमीन पर अवैध कब्जा था। हापुड़ में अवैध शराब की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग अलर्ट, गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र में छापेमारी कर 35 लीटर अवैध कच्ची शराब की गई बरामद। श्रावस्ती पुलिस ने 20 लीटर कच्ची शराब के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार, शख्स के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज। लखीमपुर खीरी में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी तादाद में वन अदबना असलाह बरामद, मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापा, 4 आरोपियों सहित भारी मात्रा में तमंचे बरामद। लखनऊ नगर निगम में 6 कार्यकारिणी सदस्य चुने गए, कार्यकारिणी में महिलाओं को दी गई प्राथमिकता, 6 में से 3 महिला पार्षद बनी कार्यकारिणी सदस्य। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने की मुलाकात, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिष्टाचार भेंट दिया करा। आगरा में सड़क पर तरावी की नमाज पढ़ने वालों पर मुकदमा दर्ज, पुलिस ने नोटिस जारी कर सड़क पर नमाज न पढ़ने की दी थी हिदायत। गाजीपुर में यूपी बोर्ड परीक्षा की 7 लाख कंपनियों का मूल्यांकन जारी, सुंदर लिखावट पर मिलेंगे एक्स्ट्रा नंबर, कंपनियां जांचने के लिए 3000 परीक्षक लगाए गए। बागपत में संपत्ति को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद, दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़े, दोनों पक्षों के बीच सड़क पर जमकर चले लात घूंसे। जालौर में पुलिस ने महिला की हत्या का किया पर्दाफाश, तंत्र मंत्र की आड़ में आरोपी महिला को बनाता था अपना शिकार, आरोपी के पास से लूट के जेवरात और रुपए बरामद। गाजियाबाद में निर्माणाधीन गोदाम का गिरा लेंटर, मलबे में दबे 5 मजदूरों में से 1 की मौत, 4 मजदूरों की हालत गंभीर। गाजियाबाद में न्याय मांगती मां से एसडीएम की नोकझोंक, धरना दे रही मां पर एसडीएम के चिल्लाने का वीडियो हुआ वायरल। बिजनौर में प्राइमरी स्कूल की छात्राएं कर रही स्कूल का टॉयलेट साफ, छात्रा का वीडियो वायरल, बीएसए ने स्कूल को नोटिस किया जारी। डीएमएसपी ने किया किरतपुर ब्लॉक के भोजपुर गांव का निरीक्षण, डीएमएसपी ने प्राथमिक स्कूल में किया औचक निरीक्षण, टीचरों में मचा हड़कंप। पीलीभीत डीएम पुलकित खरे बने शिक्षक, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों को पढ़ाते दिखे जिलाधिकारी। पंचायती राज मंत्रालय ने दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना में मिर्जापुर और जालौन जिला पंचायत विभाग का चयन किया, योजनाओं को पारदर्शी तरीके से किए जाने पर मिलेगा पुरस्कार। हरदोई में खंडहर पड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग में हिजाब पहने युवती और एक युवक का शव बरामद, सूचना के बाद पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हरदोई में छोटे भाई को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतारने वाला बड़ा भाई गिरफ्तार, 1.5 बीघा जमीन के लिए भाई की हत्या की। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मालिक और नौकर की मौत, घटना के बाद से क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहजहांपुर में प्रेमी युगल ने आत्महत्या की, परिवार कर रहा था प्रेम प्रसंग का विरोध, प्रेमिका ने खाया जहर, प्रेमी ने फांसी लगाकर दी जान। कौशाम्बी में यमुना में नहाने के दौरान 2 युवा गहरे पानी में समाए, गोताखोर दोनों युवकों की तलाश में जुटे।
उन्नाव में आमने सामने आ रही दो बाइकों में भिड़ंत हादसे में दो लोगों की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में गोवे कंपनी खोलकर जनता के लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला, पुलिस ने गैंग के एक वांछित सदस्य को किया गिरफ्तार। सोनभद्र में डीजल चोरी कर बेचने वाले ट्रक चालक और खलासी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 14 लाख रुपए बरामद, खनन व्यवसायी सहित तीन आरोपी फरार। श्रावस्ती पुलिस ने 15,000 के इनामिया को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास एक अवैध तमंचा बरामद। अलीगढ़ में 15 लाख रुपए कीमत का 140 किलोग्राम गांजा बरामद, पुलिस ने दो नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन, आज संगठन के साथ तीन अहम बैठक करेंगे बीएल संतोष। देहरादून में धामी सरकार के मंत्रियों की बैठक, सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने जानी परफॉर्मेंस, बीएल संतोष ने मंत्रियों से बेहतर काम करने को कहा। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा की आज बड़ी बैठक, गढ़वाल मंडल के पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। जहांगीरपुर हिंसा पर हरिद्वार में होगी महापंचायत, 27 अप्रैल को संतों ने बुलाई महापंचायत, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर होगी महापंचायत। कुमाऊं कमिश्नर का जिलाधिकारियों को निर्देश, आग पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाए, क्रू स्टेशन के प्रभारियों की जवाबदेही भी तय करने का निर्देश। हरिद्वार के रावली मेले की तस्वीरें, पुलिस प्रशासन को चढ़ा रही मुंह, मनोरंजन के नाम पर खुलेआम डांस और जुए का चल रहा कारोबार, आंखें बंद कर बैठा प्रशासन। हरिद्वार में 5 मंजिला निर्माणाधीन भवन किया गया सील, हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने किया सील, भूपतवाला के जेडीपुरम में बन रहा था भवन। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शादी के लिए पार्टनर खोजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, नाइजीरियन युवक और विदेशी महिला को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2,70,00,000 रुपए की हेरोइन के साथ एक ड्रग पेडलर गिरफ्तार। दिल्ली सरकार ने पहाड़गंज और करोल बाग के 400 होटल मालिकों को दी राहत, डीपीसीसी की तरफ से जारी की गई नोटिस पर लगाई गई रोक। अलवर में मंदिर टूटने पर महासंग्राम, बीजेपी के 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने घटनास्थल का लिया जायजा। कांग्रेस का डेलीगेशन भी अलवर पहुंचा, कांग्रेस नेताओं ने टूटे हुए मंदिर का लिया जायजा। मंदिर पर बुलडोजर मामले में कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश, नगर पालिका के आदेश में मंदिर का जिक्र नहीं। अलवर मामले में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बड़ा खुलासा, दस्तावेज में कहीं भी मंदिर को हटाने का जिक्र नहीं। अलवर के बीजेपी सांसद बालकनाथ का बड़ा हमला, कहा गहलोत सरकार ने जानबूझकर मंदिर तोड़ा। अलवर के बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ का कांग्रेस पर निशाना, कहा सीएम हाउस से हिंदुओं के खिलाफ जारी हो रहे फतवे। राजस्थान की गहलोत सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला, औरंगजेब से भी बर्बर है गहलोत सरकार। अलवर में मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ धरने पर बैठे सांसद किरोड़ी लाल मीणा, कांग्रेस पर साधा निशाना। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा मंदिर गिराकर हिंदुओं की भावना से खिलवाड़, गहलोत सरकार की इस कार्रवाई को बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। अलवर में मंदिर तोड़े जाने पर बैकफुट में आई कांग्रेस, कांग्रेस ने अलवर के राजगढ़ में मंदिर बनाने की कही बात। मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर शिव सैनिकों की पत्थरबाजी, सोमैया की कार पर फेंके पत्थर, बोतल और चप्पलें। शिव सैनिकों के हमले में किरीट सोमैया हुए घायल, चेहरे पर पत्थर लगने से घायल हुए किरीट सोमैया। मुंबई में खार थाने के बाहर दिखी शिव सैनिकों की गुंडाई, पत्थरबाजी में किरीट सोमैया की कार का शीशा टूटा, गाड़ी को पहुंचा भारी नुकसान। मुंबई के खार थाने पहुंचे थे बीजेपी नेता किरीट सोमैया, नवनीत राणा और उनके पति से की मुलाकात, नवनीत राणा ने बीजेपी नेताओं से मांगी है मदद। मुंबई में किरीट सोमैया पर हमले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बांदा थाने के बाहर किया हंगामा। बांदा थाने के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, उधर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी।
जम्मू के सुजवान में आतंकी हमले का सीसीटीवी वीडियो, कल आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस पर किया था हमला, चड्ढा कैंप को निशाना बनाना चाहते थे आतंकी। सुजवान में बस पर हमले के बाद जिप्सी पर भी हुआ था हमला, सुरक्षा बलों की जिप्सी पर हुई थी फायरिंग, जिप्सी पर हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एमपी की सियासत में सोशल मीडिया पर आर पार, कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी का तंज, कहा सिर्फ ट्विटर तक सीमित पार्टी, कांग्रेस ने क्या पलटवार, पार्टी है पूरी तरह से तैयार। एमपी के छतरपुर में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई, एंटी माफिया अभियान के तहत शातिर अपराधियों के ठिकाने ध्वस्त। प्रचंड गर्मी में लू के अंदर एक चिंपैंजी को प्यास लगी, जू के अंदर चिंपैंजी ने प्यास बुझाने के लिए प्लास्टिक की बोतल में पानी मांगा। डॉगी की पूल पार्टी, डॉगी ने स्विमिंग पूल में लिए मजे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर बेबी पांडा इंसानी बच्चों की तरह स्लाइड करता हुआ आया नजर, बेबी पांडा के वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं पसंद। आईपीएल के 36वें मुकाबले में आरसीबी की शर्मनाक हार, एक तरफा मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने केवल 48 गेंद खेलकर जीता मैच, 68 रन पर ऑल आउट हुई थी आरसीबी। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला, पहली जीत की तलाश में उतरेगी मुंबई इंडियंस की टीम। अहमदाबाद में होंगे आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले, बीसीसीआई ने बैठक के बाद लिया फैसला, 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा फाइनल मैच। राजस्थान के जैसलमेर में हुई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग, अभिनेत्री ने शूटिंग पूरी कर मुंबई लौटी। सलमान खान ने अपने अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से श्रेयस तलपड़े और अरशद वारसी को किया बाहर। राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी से कमबैक करेंगे सुपरस्टार शाहरुख खान, फिल्म के लिए कर रहे हैं मेहनत। 300 करोड़ के क्लब में शामिल हुआ केजीएफ 2 का हिंदी वर्जन, रिलीज के 10वें दिन फिल्म ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हिंदी में 300 करोड़ का आंकड़ा छुआ।